दोस्तों बात अगर साइबेरियन टाइगर या ग्रिजली बियर की करें तो ये दोनों धरती के सबसे शक्तिशाली जीव के घराने से ताल्लुक रखते हैं। अपनी जानलेवा काबिलियत और पावरफुल बॉडी की वजह से ये हमेशा से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे हैं। जहाँ एक तरफ पूरे एनिमल किंगडम में अपनी तूती बुलवाने वाला साइबेरियन टाइगर है, तो वहीं दूसरी तरफ अकेले चार बुल्स को चीर कर रख देने वाला ग्रिजली बियर। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि अगर इन दोनों का कभी आमना सामना हुआ तो मुकाबला एक तरफा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और इसी बात पर और गहराई से आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। अगर हम सबसे पहले बात साइबेरियन टाइगर की करें तो ये आज के समय में पाए जाने वाले टाइगर के प्रजाति में सबसे विशाल काय है। वैसे तो आप इनके नाम से ही जान गए होंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मगर अपना कर्तव्य निभाते हुए हम आपको बता दें, ये टाइगर ज्यादातर रशिया में स्थित साइबेरिया में पाए जाते हैं। इन्हें ठंडे इलाकों में रहना काफी पसंद होता है, जिसके कारण ये कुछ हद तक आपको चाइना और मंगोलिया में भी देखने को मिल जाएंगे। धरती पर मौजूद सारे टाइगर्स में लार्जेस्ट होने की वजह से ये एक अद्भुत शिकारी है। एक साइबेरियन टाइगर अपनी पूंछ को मिलाकर आमतौर पर 3.3 मीटर लंबा हो सकता है और वजन में 176 किलोग्राम से भी अधिक। बर्फीले और ठंडे वातावरण को झेलने के लिए कुदरत ने भी इनको उसी के मुताबिक ढाला है। इसी कारणवश इनका शरीर बाकी टाइगर्स के मुकाबले अधिक मोटी चमड़ी और नेचुरली डेवलप मोटे फर से विकसित है। बात अगर इनके रहन सहन की करें तो ये बड़ी बिल्ली काफी कठोर वातावरण में रहने की आदि है और इनकी आधे से ज्यादा आबादी सिखोटे अलीन माउंटेन रेंज पर मौजूद है। साइबेरियन टाइगर को अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने शिकार के प्रति काफी समर्पित रहते हैं और अपने आसपास के इलाके में अलग ही दहशत की छाप रखते हैं। ये अक्सर रात के समय शिकार करते हैं और शिकार के लिए अपने इलाके से मीलों दूर जाने से भी नहीं कतराते। साइबेरियन टाइगर को छोटे जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं है। यह हरदम इल्क और जंगली सुअर जैसे बड़े जानवरों के झुंड की तलाश में रहते हैं। सबसे पहले जितना हो सके शिकार के पास जाने की कोशिश करते हैं और फिर अपने मजबूत जबड़ों के सहारे पहले ही वार में उसको धर दबोचते हैं। कार को फाड़ने के लिए मौजूद इनके कनाई दांत फिर शिकार के दम को निकाल कर उसके अनगिनत टुकड़े कर देते हैं। साइबेरियन टाइगर लगभग 1000 PSI के प्रेशर से काट सकते हैं। अपने से विशालकाय जानवर को भी आसानी से अपना शिकार बना सकते हैं। ये काफी टेरिटोरियल होते हैं, यानी कि अपने इलाके के प्रति बिल्कुल अलर्ट। ये पत्थर और पेड़ों पर निशान लगाकर अपने एरिया का बंटवारा करते हैं। ये जानवर अपने पावर, स्ट्रेंथ और दहशत के लिए मशहूर है, जिसे ह्यूमन से दूर रहना पसंद है। तो दूसरी तरफ बात अगर ग्रिजली बियर की करे तो ये ब्राउन बियर के परिवार से नाता रखते हैं। इनके लिए यूज किया हुआ वर्ड ग्रिजली का मतलब इनके ग्रे कलर से है। एक एडल्ट ग्रिजली बियर लंबाई में 2 से 3 मीटर और वजन में ये 400 से 600 किलोग्राम से भी ज्यादा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब तक का सबसे बड़ा ग्रिजली बियर अलास्का में पाया गया, जिसका वेट 1 टन और लंबाई 3.6 मीटर थी। ये इतना विशालकाय था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। मरने के बाद आज भी गोलियत नाम का ये बियर न्यू जर्सी के एक म्यूजियम में रखा गया है। ये ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन मेल्टिंग सीजन के दौरान नर और मादा एक साथ रहते हैं। बाकी साथियों के साथ बात करने के लिए ये स्मेल और अपनी ही आवाज का यूज करते हैं। अलास्का और नॉर्दर्न कनाडा में इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। ग्रिजली बियर ओमनिवोरस होते हैं, यानी कि मांस के साथ साथ पेड़ पौधे भी खाते हैं। वैसे तो इनकी आहार में काफी चीजें आती हैं, जैसे कि घास, फूस, फल, बेरीज आदि, लेकिन जब ये शिकार पर निकलते हैं तब अक्सर मछली, गिलहरी, हिरण जैसे जानवर इनका पसंदीदा भोजन होते हैं। अगर इनके जबड़ों की तरफ नजर मारे तो दोस्तों अपने शिकार को 1250 PSI यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच फोर्स से पल भर में झपट सकते हैं। लेकिन साइबेरियन टाइगर के दांत इससे काफी नुकीले और लंबे होते हैं, जिसके कारण वो अपने शिकार के शरीर के अंदर तक घाव करने की क्षमता रखते हैं। ग्रिजली बियर की असली ताकत उनके मजबूत और लंबे पांचों में समाई है, जो दुश्मन को बीच से फाड़ने में मिनटों नहीं लगाते। हालांकि साइबेरियन टाइगर के मुकाबले ये कम नुकीले होते हैं। दोस्तों वैसे तो ये दोनों जानवर वेपन मटेरियल कहे जाते हैं, मगर बात अगर इनके बीच मुकाबले की करें तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं।
बेशक ग्रिजली बियर अपने साइज में बड़े होने का काफी हद तक फायदा उठा सकता है, मगर दोस्तों साइबेरियन टाइगर कार्निवोरस होने के कारण हर तरह के शिकार का आदी है और यही वजह है इसे एक माहिर शिकारी बनाती है। साइबेरियन टाइगर जानते हैं अपने शिकार की कौन सी जगह पर कितनी तेज बाइट करने से वो ढेर हो सकता है और ये ग्रिजली बियर से काफी इंटेलिजेंट भी माने जाते हैं। इन सारी बातों के अलावा रशिया में एक फाइट ऐसी भी हुई है जिसमें भूखे होने की वजह से एक साइबेरियन टाइगर ने ब्राउन बियर को मार डाला। इसके अलावा टाइगर भालू के बच्चे को अपना भोजन बनाते रहते हैं। दोस्तों ग्रिजली बियर इस लड़ाई में अपनी बुलेट प्रूफ मोटी चमड़ी से काफी देर तक मैदान पर टिक तो सकता है, मगर उसका जीतना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों हमारे मुताबिक साइबेरियन टाइगर के जीतने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए आपका पक्ष भी उतना ही जरूरी है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने विचार कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।